नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। आज के मुद्दे में बात होगी एक ऐसे विषय की जो कि प्राकृतिक रूप से भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना धार्मिक रूप से उसकी मान्यता है। बात काले हिरण की होगी, जिसे कृष्ण मृग के नाम से भी जाना जाता है। ये मृग संकटग्रस्त जीवों में से एक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काले हिरण का शिकार प्रतिबंधित है। इसके अलावा काले हिरण को बिश्नोई समाज पूजनीय भी मानता है। जैसा कि मैंने कहा कि प्राकृतिक और धार्मिक दोनों नजर से काले हिरण का संरक्षण बेहद जरूरी है, लेकिन दुख की बात यह है कि इतने प्रयासों के बाद भी काले हिरण का शिकार किया जा रहा है। सूरतगढ़ वन क्षेत्र में शिकारियों ने काले हिरण की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब रुकेगा काले हिरण का शिकार। आए दिन शिकार की खबरें आ रही हैं। आखिर ये घटनाएं कब रुकेंगी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? वन विभाग जिम्मेदार है? वन्य जीव प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। शिकार की इतनी घटनाओं के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाने में समर्थ क्यों नहीं नजर आता? आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे संवाददाता गंगानगर से हमारे साथ जुड़ेंगे कुलदीप गोयल, और अन्य कुछ खास मेहमानों के साथ भी आपका तारुफ मैं करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले साथ साथ कुछ सवाल जिनका मैंने जिक्र किया, उसमें महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिए, काले हिरणों का शिकार क्यों नहीं रुक रहा? विलुप्त हो रहे वन्य प्राणियों का शिकार क्यों किया जा रहा है? जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी है, उन पर चोट क्यों हो रही है? काले हिरण को बचाने की मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती? अब आप देखिए, बिश्नोई समाज की आस्था से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या कोई बड़ा गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है? हिरणों की सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान क्यों नहीं है? फिल्मी सितारों के प्रकरण के बाद भी निगरानी क्यों नहीं बढ़ाई गई? ये कुछ सवाल हैं, और साथ ही साथ काले हिरण की हत्या और सजा के बारे में हम इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, जहां पूजनी है वहीं हत्या क्यों और कैसे, जहां पूजे जाते हैं उसी इलाके में कौन इनका शिकार कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। शिकारी बाहर के हैं या वहीं के हैं? शिकारी आसपास के हैं तो उनकी आस्था इससे जुड़ी हुई नहीं है क्या? बिश्नोई समाज के संरक्षण के बाद भी शिकार हो कैसे जा रहा है? क्या शिकारियों का कोई बड़ा गैंग इसके पीछे काम करने वाला? ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। फिल्मी सितारों को सजा मिल जाने के बाद भी इस पर उस तरीके से असर क्यों नहीं दिखता? क्यों इनका शिकार हो रहा है? वन विभाग काले हिरण को क्यों नहीं संरक्षण दे पा रहा है? सुरक्षा को लेकर वन विभाग के पास क्या कोई ठोस प्लान है या नहीं है? जहां पूजनी है वहीं हत्या क्यों और कैसे? जहां पूजे जाते हैं काले हिरण उसी इलाके में कौन इनका शिकार कर रहा है? ये तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं, तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं, सवाल हैं जिनका जवाब राजस्थान की जनता जानना चाहती है और वन्य जीव प्रेमी जानना चाहते हैं। और ना सिर्फ वन्य जीव प्रेमी बल्कि आम आदमी जो कि नियमों का पालन करना जानता है, नियमों का पालन करना चाहता है, वो भी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है? अगर इनको संरक्षित प्रजाति माना गया है, अगर संरक्षित प्रजाति के लिए जो नियम कानून हैं वो इनके ऊपर भी लागू होते हैं, तो फिर ये दुख सभी को होता है जब जब ये नियम टूट रहा है, जब जब इनके संरक्षण से खिलवाड़ हो रहा है। और खिलवाड़ एक दो बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में, दो तीन महीनों में अगर कहें तो कई बार ये खबरें आई हैं जब ब्लैक बग यानी काले हिरण या चिंकारा का शिकार किया जा रहा हो। अंगों से इनके विशेष दवा बनती है, तो शिकारियों की नज़र इस पर रहती है। सींग लगे जो होते हैं इनके, उसके कीमत बहुत ज़्यादा मानी जाती है बाज़ार में। इनका शिकार करना आसान भी होता है, समतल इलाकों में ज़्यादा ये दिखाई देते हैं, इसीलिए निशाने पर भी ये जल्दी आ जाते हैं। शाकाहारी ये जानवर है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ये जानवर होता नहीं, और इसके मांस की लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अंगों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी भी की जाती है, अंगों से विशेष दवाएं बनती हैं। तो इनके बारे में हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं ताकि चर्चा से पहले आप ये समझ सकें, जान सकें कि काले हिरण का आखिर इतना महत्व क्यों है, क्यों काले हिरण के शिकार पर, क्यों काले हिरण की मृत्यु पर हमेशा इतना बवाल कहें या इतना प्रदर्शन कहें, इतना एग्रेशन दिखाई देता है, तो उसके कुछ जायज कारण है जो हमने आपको बताए। अब अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ राजेश कृष्ण सिद्धि जुड़ेंगे जो पर्यावरणविद हैं। स्वागत है राजेश जी आपका। साथ ही साथ आदित्य जैन जुड़ेंगे, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका भी बहुत स्वागत है आदित्य जी। योगेंद्र कुमार जोशी साहब जुड़ेंगे, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, स्वागत सर आपका। रामपाल भवाद हमारे साथ जुड़ेंगे, बिश्नोई समाज के प्रतिनिधि हैं। तो चार महत्वपूर्ण लोग और कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि काला हिरण का शिकार आखिर
क्यों नहीं रुक रहा है, लेकिन इन चारों पर मैं जाऊं उससे पहले सबसे पहले चलते हैं श्री गंगानगर, जहां पर कुलदीप गोयल हमारे संवाददाता मौजूद हैं। कुलदीप, जिस जिले में संवाददाता है वहीं पर अभी हाल ही में काले हिरण का शिकार हुआ है, जिसके बाद वहां स्थानीय लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुलदीप, क्या अपडेट है, क्या स्थिति है, अभी लोग क्या कह रहे हैं? देखिए राहुल, जो कल दोपहर से धरना शुरू हुआ था वो अभी भी 4 बजे तक का समय हो चुका है और धरना लगातार जारी है। वार्ता की बात करें तो कल प्रशासन की तरफ से 2 बार वार्ता हुई और आज एक दौर की वार्ता अभी भी हो चुकी है, लेकिन वार्ता का नतीजा नहीं निकला। अभी मौके पर जो SDM है और अन्य अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और वार्ता का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी 2-3 मांगे हैं कि पहली मांग तो ये है कि जिन लोगों ने, जिन शिकारियों ने हिरण का शिकार किया है उसे पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग ये है कि जो जिला वन अधिकारी हैं, सूरतगढ़ के वन रेंजर हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। और तीसरी मांग ये है कि इस जो काले हिरण के शिकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए जो विभाग के अधिकारी हैं वो संजीदा हो जाएं, क्योंकि इनका प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बार बार कहने के बाद में, शिकायतें करने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह की घटनाएं करने में शिकारी हैं वो कामयाब हो जाते हैं और इसी चक्कर के अंदर जो ये लोगों का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कल जहां पर इस शिकार की घटना सामने आई है वहां पर हिरण के 4 और सींग मिले हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि इस हिरण के शव के साथ साथ में कहीं और भी हिरणों का शिकार है वो करने की कोशिश की गई है। और इसी बात को लेके जो प्रदर्शनकारियों की कल भी डिमांड थी कि बीकानेर से जो इनके CCN हैं, बड़े अधिकारी हैं वन विभाग के, वो आए, जिला कलेक्टर वार्ता के लिए आए, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंचा और ऐसे में जो प्रदर्शनकारियों का आक्रोश है वो बढ़ता ही जा रहा है। जी कुलदीप, ठीक है। तो कुलदीप ने देखिए तमाम अपडेट अभी इस वक्त वहाँ से दी है। वो धरना जो बीते दिन शुरू हुआ था अब तक ख़त्म नहीं हुआ है और उसका कारण यही है कि लोगों का जुड़ाव बहुत है, दिल से जुड़ाव है इस जीव के प्रति, और प्राकृतिक रूप से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, धार्मिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शुरुआत करेंगे इस चर्चा की, हम लोग चलते हैं राजेश कृष्ण साहब के पास, पर्यावरणविद हैं आप। राजेश जी, हमने कोशिश की है बताने की कि काला हिरण क्यों इतना महत्वपूर्ण है, दोनों ही रूप से, एनवायरमेंटली भी और रिलीजियसली भी, लेकिन क्या आप थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा इसको एक्सप्लेन कर दें कि ब्लैक बग भारतीय संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण इसका पार्ट है और क्यों आखिर ब्लैक बग को इतना संरक्षित करने के लिए फोकस किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं सभी लोगों को रक्षाबंधन के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहता हूँ, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है, तात्कालिक मुद्दा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही बाड़मेर में इसी तरह हिरणों की शिकार हुई थी और अभी ये काला हिरण की शिकार की बातें आई है। मैं विश्नोई समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मन से कि जिनके सबसे पहले हमारे सही पूछा था है, तो सबसे पहले अगर कोई पर्यावरणविद है तो वो जम्बेश्वर महाराज है, जिन्होंने इनकी उपयोगिताएं उस जमाने में समझी जब हमारा राजस्थान में सूखा था और हमारे पानी की जो समस्याएं थी और हम टैंक्स के रूप में जो टाकों में जो पानी एकत्रित करके उसमें लोग अपना सर्वाइव करते थे, ये काला हिरण जो है वो सही मायने में उस पानी को, जो पानी पीता है तो उसको शुद्ध करता है और उसको शुद्ध करने से वो लोग जो हमारे जीव, हमारे जो मानव जो उसको पीता है तो उसको, उससे इन्फेक्शन नहीं होता। उस वैज्ञानिक पद्धति को उन्होंने लगा, इसकी वजह से उन्होंने इस काले हिरण को संरक्षित करने का उस जमाने से प्रयास किया और उसी तरह से खेजड़ी का उन्होंने प्रयास किया। तो ये काला हिरण ने केवल एक वो पूजनीय, इसीलिए पूजनीय है वो हमारे लिए जीता है और हम उसी की अगर हत्याएं करवा रहे हैं तो इसका मतलब प्रशासन, और इसमें पूरा सरकार का तो, प्रशासन का तो फेल्योर है ही। बार बार की इस तरह की घटनाएं आ रही है, इसका साफ साबित है कि ये जो प्रशासन है वन विभाग वो बिल्कुल नकारा निकम्मा साबित हो रहा है, जो आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है। इस पर जो मांग उठाई है लोगों ने, जो उठा रही है वो तो कोई मांग ही नहीं है, वो मांग तो सरकार को चाहिए तत्काल पूरी करे कि अगर वहां नेग्लिजेंसी हुई है, अगर उसकी शिकार हुई है तो वहां का तत्कालीन वन अधिकारी दोषी है ही, उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और इस तरह की घटनाएं आए दिन ना हो, इसके लिए आपको पूरी एक रणनीति, अच्छी तरह से कोई आपको मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। इसकी घटना के पीछे एक तो मास्क का तो काम है ही कि मास्क की निर्यात एक मंडी के रूप में डेवलप हो गई है, तो उस तरह के जो पर्यटक, जो पर्यावरण है उसको पर्यटक के आड़ में जो खत्म किया जा रहा है, उन होटल माफियाओं पर
जब तक पूरी बड़ी मच्छी को नहीं इसमें पकड़ी जाएंगी। तथा इसके साथ ही अब फार्मेसी माफिया भी इसमें सक्रिय हो गया है। उन फार्मेसी माफिया जो आपने बताया वो पूर्ण तरीके सही है कि इनके जो हिरणों के जो सींग है इनकी मृतसरम भसम के नाम से इन्होंने बनाई जाती है और अन्य दवाओं में भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो गैर कानूनी रूप से तरीके से की जा रही है। उन जब तक माफियां हमारे हाथ नहीं पहुंचेंगे उन लोगों को जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये जो बार बार की घटनाएं वो नहीं रुक पाएंगी। हम किसी मुलजिम को अगर गिरफ्तार कर लेते हैं वो तो एक छोटी मछली है, वो केवल उन लोगों के लिए काम कर रही है, असलियत में जिन लोगों के लिए काम ठीक है उन लोगों तक हमारे जो सरकार। ठीक है राजेश जी, निश्चित रूप से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि तमाम चीज़ों पर अब ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे पहलू हुए इस विषय से जुड़े हुए। हम लोग रामपाल भवाद जी के पास चलते हैं जो कि बिश्नोई समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारी इस चर्चा में। रामपाल जी, राजेश जी ने बताया कि बिश्नोई समाज के पूर्वजों ने उस वक्त जब राजस्थान में पूरा सूखा था, रेगिस्तान से पटा पड़ा था जब पूरा क्षेत्र, तब उन्होंने ये जाना पहचाना कि इस जीव की इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। और अब एक लंबा सफर हमारी सभ्यता ने तय कर लिया, बिश्नोई समाज के साथ साथ पूरा राजस्थान अब बहुत आगे आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस जीव के प्रति इतना लगाव और इतनी आस्था है तो कुछ कारण जरूर होगा, कुछ विशेष कारण होगा। आप उस कारण को तो बताएंगे लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि उस कारण के बावजूद इनका शिकार कैसे हो जा रहा है आखिर। नमस्कार सभी दर्शकों को। जो बात राजेश जी ने बताई वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि गुरु महाराज जम्बेसर भगवान ने जो 29 नियमों के आचार संहिता जो दी थी समाज को मानव कल्याण के लिए और इस प्रकृति कल्याण के लिए, उसमें उन्होंने एक शब्द जोड़ा था कि जीव दया पालनी रूह लीनो निगावे। तो उन्होंने प्रत्येक प्रकृति के प्रत्येक जीव के लिए उन्होंने संरक्षित करने की बात जो कही है वो हमारे जो है आचार संहिता में 29 नियमों के आचार संहिता में है। और आचार संहिता में नियम होने के कारण वो कहीं ना कहीं हमारे टीएनए में इस तरीके का जो है वो, और वो शुरू से ही हमारे सनातन धर्म में भी इसी तरीके से जीव हत्या को लेकर के जो हमारे जो धर्म है वो हमें ये मतलब सिखाता है कि जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, जीवों को पालना चाहिए। रही बात एक सभ्यता गुजर गई इस समय में और विश्व समाज ने इस मामले में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं कि 363 लोगों ने जो है पेड़ों के लिए अपना बलिदान कर दिया। 363 लोगों ने वन्य जीव रक्षा, कम से कम 2 दर्जन लोगों ने अपनी जो जान गंवा दी इस पूरे प्रदेश के अंदर। तो ये सारा कहीं ना कहीं संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के सरकार को, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, वो सरकार का जो सिस्टम है जिस तरीके से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना, उससे पहले भी तो विष्णु समाज में इस बात पे मानता आया। जब वो राजा महाराजाओं का शासन था उस वक्त शिकार पे प्रतिबंध भी नहीं था, उस वक्त भी बिश्नोई समाज जो है वो कहीं ना कहीं वन्य जीवों को बचाने के लिए अपनी जान देता आया है और उनको बचाने में अपना सर्वोच्च बलिदान करता है। मेरा ये मानना है कि सरकार आने वाले समय में इस पे ठोस कानून लाए और जिस तरीके का जो कानूनों में बदलाव केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो वो करने जा रही है, किया भी है, तो कहीं ना कहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में और जो टेनेंसी एक्ट पेड़ों के कानून में संशोधन की बहुत सख्त आवश्यकता है। जब कानून मजबूत होगा तभी जो है अपराध रुक पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इस चीज को समझ लेते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, शुरुआत की चर्चा में हमने आपको बताया कि इस जीव का महत्व क्या है, पौराणिक महत्व से लेकर के रिलीजियस महत्व से लेकर के, और अभी फिर हम लोगों ने चर्चा करी कि किस तरह बिश्नोई समाज के पूर्वजों ने इसके महत्व को समझा और फिर जनता को बताया। लेकिन अब जो है चर्चा जरा इस बात की कर लेते हैं कि इसके जिस पे रामपाल जी बात कर रहे थे कानूनी पहलू के, हमारे पास 2 खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ योगेंद्र कुमार जोशी साहब भी हैं और आदित्य जैन जी भी हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आदित्य जी के पास चलते हैं, उसके बाद योगेंद्र जी का रुख करेंगे। आदित्य जी, मैं कानूनी पहलू इसके जानना चाहता हूं, आपसे चाहता हूं कि आप जरा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं कि ब्लैक बक, काला हिरण या फिर दूसरे जो हिरण या चिंकारा हो गया, इनके लिए संरक्षण के क्या नियम हैं और उसके उल्लंघन पर क्या सजा का प्रावधान है, इनके शिकार के लिए कब ये नियम बने और क्या कुछ इन नियमों के पहलू हैं, जरा समझाइए जी। सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा और रक्षाबंधन की बधाई देना चाहूंगा जी। जो कानून है उनका सबसे जो मूल हमारा कानून है वो है संविधान। संविधान का अनुच्छेद 48 कैपिटल ए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है और हमारे मूल अधिकार जो हमें दिए गए हैं
वो ये बोलते हैं कि 48 कैपिटल ए ये बोलता है कि हर व्यक्ति को जन की जीवन की वन की रक्षा करनी होगी, उसका दायित्व होगा कि वो रक्षा करे। उस अनुच्छेद के से आगे जाते हुए जो सरकार थी, जो लेजिस्लेचर था, पार्लियामेंट थी, वो 1977 में 72 में सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वन संरक्षण अधिनियम लाए गए, वन संरक्षण अधिनियम में जो भी इंसान शेड्यूल ए शेड्यूल वन जिसमें बोला गया है कि ब्लैक बक का नाम दिया गया है, उसका शिकार कोई इंसान करता है तो उसमें कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब क्या हो रहा है कि ये प्रावधान है कानून में, इनमें संशोधन लाया गया है, उससे पहले भी कानून थे, पर जो अधिकारी मिलीभगत करते हैं और उस मिलीभगत के कारण इन ब्लैक बक का शिकार होते जा रहा है, काले हिरण का शिकार होते जा रहा है, और इसके अलावा और भी जो इंडेंजर्ड स्पीशी है उनका शिकार होता है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उसके लिए हम क्या क्या कठोर कदम उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सन 1990 से लेकर आज दिनांक तक 34 सालों में कम से कम 5,000 से ऊपर ब्लैक बक के शिकार हो चुके हैं हिंदुस्तान के अनेक जंगलों में, और इंडेंजर्ड स्पीशी के कई जगह शिकार होते जा रहे हैं। कानून में सजा का प्रावधान है, पर सजा तब मिलेगी जब वो इंसान पकड़ा जाएगा। अब कोई शिकार करके रात को चला गया, कोई उस ब्लैक बक को लेकर रात को चला गया, उसके बाद ठीक है, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, क्यों नहीं इनको ट्रैक कर पा रहे हैं हम लोग शिकार। दूसरी चीज, हमने देखा कि अभिनेता सलमान खान भी इस केस ऐसे केस में पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई क्योंकि वे बड़ी हस्ती थे, पर जो इंसान ऐसी कोई बड़ी हस्ती नहीं है और जो मिली वन अधिकारी के साथ मिलकर ऐसी हरकतें कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। और ऐसे मामलों में जो जिला वन अधिकारी है उसका दायित्व है कि वो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ठीक है आदित्य जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और सभी यही चाहते हैं कि इस तरह का जो भी अपराध करे उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। लेकिन आपने काफ़ी अच्छी बात आपने कही कि जब कोई हाई प्रोफाइल केस आता है तो वो ज़रूर नज़रों में आ जाता है, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे जो शिकार हो रहे हैं योगेंद्र कुमार साहब, वो तो जिस तरह से अभी आदित्य जी ने कहा कि भाई जो वन्य डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया या फलाना अधिकारी वहाँ का कोई हो गया, उसके साथ मिलीभगत करके शिकारी अपना कर रहे हैं, तो वो जो शिकारी हैं वो तो वहीं के या तो आम लोग हैं या वो जो लोकल लोग होते हैं या आस पड़ोस के होंगे जिनका कुछ नाम नहीं है, नॉर्मल मतलब कह सकते हैं कि वो कोई फेमस हस्ती ऐसी नहीं है कि जिनके नाम पर बहुत बवाल हो जाए। तो नाम पर बवाल जब तक नहीं होगा तब तक इंसाफ ही नहीं मिलेगा, फिर हिरणों का जो नियम है वो तो उल्लंघन होते रहेंगे। क्यों नहीं ट्रैक कर पा रही है कर पा रहा है प्रशासन योगेंद्र साहब, क्यों नहीं वन्य विभाग का उस तरीके से इतना सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है जबकि ऑलरेडी इतने सारे केसेस हो चुके हैं? क्या लगता है आपको, कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे कमियां हो रही है? देखिए राहुल जी साहब, ये जो वन्य जीवों का जो व्यापार है ये पूरे वर्ल्ड में तीसरा बड़ा व्यापार है, ये आप इसको कम मत समझिए। ये हिरण, काले हिरण के अलावा भी वन्य जीवों का जो चल रहा है, शेर चीते वगैरह, हाथी घोड़े, दुनिया भर के जो ऐसे हैं, इनका तीसरा बड़ा व्यापार है इस देश के अंदर और वर्ल्ड में भी ऐसा है। आप देखिए वन्य जीवन अधिनियम बना हुआ है, उसके अलावा हमारे देश के अंदर वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो भी है जिसको CBI के अधिकार प्राप्त है, और एक है वन्य जीवन संरक्षण बोर्ड जिसका चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री। आप समझिए इसमें कमी कुछ नहीं है और कानून में प्रावधान पूरे दिए हुए हैं। इसके अलावा दूसरे कानून भी है कि आप जो है जंतुओं पर अत्याचार नहीं कर सकते, इवन पालतू जानवरों को भी नहीं कर सकते, फिर भी जहां हो रहे हैं ना अत्याचार। आप देखिए कि सार्वजनिक रूप में अगर आपको किसी को काटना है, मुर्गा है, मुर्गी है, बकरा है, फिर भी आप सार्वजनिक रूप में नहीं काट सकते और उनको सार्वजनिक रूप में नहीं लटका सकते। लेकिन सारे कानून होते हुए भी राहुल जी आप देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो इसी तरह से ये जो वन विभाग है या जो इनको संरक्षण देने वाली संस्थाएं हैं, ये सब लोग इसमें मिलीभगत करते हैं। कारण ये है कि ये देखिए जो जम्मेश्वर गुरुजी थे, इन्होंने 1451 ईस्वी से इसको संरक्षण दिया हुआ है बिश्नोई समाज ने,
जब से इनके गुरु हुए तब से इसको दिया हुआ है और आज भी विष्णु समाज इनकी संरक्षण में लगा हुआ है। लेकिन सरकार और वन विभाग, देखिए मैं आपको ये बता दूं, बिना वन विभाग और बिना वन विभाग के कर्मचारियों के मिली भगत के कोई भी व्यक्ति आसपास के गांव का भी किसी भी सेंचुरी में या किसी भी ऐसे जंगल में नहीं घूम सकता। आपको मैं बताऊं, जहां भी जंगलात है आप देखिए लकड़ियां कटती है जरा जरा सी। आप जयपुर में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी के पीछे जंगल पड़ा हुआ है और सारे जंगल कटा हुआ है, क्या वहां हमारे वन विभाग के कर्मचारी नहीं है? सब है, उनकी ध्यान में रखते हुए वो जंगलियां वो कटते हैं पेड़। इसी तरह से ये जो हमारे जानवर हैं, इन जानवरों की सुरक्षा करने के लिए कानून और नियम सब बने हुए हैं, लेकिन इच्छा शक्ति काम करने वालों की नहीं है। अब आप देखिए जो कलकत्ता का मसला है तो काम करने वालों की नहीं है ना, ठीक है वहाँ जो ठीक है। योगेंद्र साहब मैं आऊंगा आपके पास लौट के, इसलिए है कि कानून आप कितना ही बना दो, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आदित्य जी भी इस पर सहमति अपनी रखेंगे, वो भी कह रहे थे कि कानून बने हुए हैं लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा तब, अगर पहले तो हो जाए अच्छे से और होगा तब जब शिकारी पकड़ में आएंगे। फिर आगे की बात योगेंद्र जी ने कही कि भाई कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के एक डर एक खौफ का विषय बैठेगा, लेकिन ये क्यों नहीं बैठ पाए अब तक, ये एक सवाल है। मैं फिर लौटूंगा आपके पास, लेकिन राजेश सर ये एक जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्लैक बग ये हिरन अगर पर्यावरण से खत्म हो जाएगा, इसका संरक्षण हम लोग नहीं कर पाए अगर, तो कितना बड़ा नुकसान इस पूरी साइकिल को होगा, पूरा एनवायरनमेंट इससे प्रभावित होगा। मैं समझता हूं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन भी इससे प्रभावित होगी, कितना बड़ा इंपैक्ट होगा अगर हमने इस जीव को संरक्षित नहीं किया। इस जीव को संरक्षित करना, जीव की बायोडायवर्सिटी इसी से चैन सिस्टम है, अगर इसको हमने संरक्षित नहीं रख पाए तो हम रेगिस्तान में जो आज भी हमारी स्थिति है, जो पानी की जो कमी है, उस टैंक जो हमारे नाड़ों और उसमें जो भय हम तालाबों में जो पानी एकत्रित करते हैं उसको शुद्ध करने का काम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। वो धार्मिक रूप से तो पूजनीय है ही, वैज्ञानिक रूप से भी उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर बग नहीं होंगे तो नीचे की और डायवर्सिटी हमारी डिस्टर्ब होंगी और हमारे जो जंगल और टाइगर्स और ये जितने भी हम करें एक दूसरे से चैन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अगर आज अरावली अगर ये नहीं होंगे, प्लेन में ये रहते हैं, उससे दूर हमारे लेपर्ड रहते हैं, उससे आगे जो हमारे टाइगर्स रहते हैं, उन लोगों को आपस में एक दूसरे की कड़ी है। अगर इनकी एक भोजन प्रक्रिया और इनकी टूट जाएगी, इनकी कड़ी टूटेगी, तो निश्चित से पूरी सिविलाइजेशन खत्म होगा। आप देख रहे हो आज सरिस्का में टाइगर विचरण करता भग रहा है, इसके पीछे कारण यही है क्योंकि मानवीय दखल जो है रामपाल जी के पास चलेंगे। रामपाल जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बिश्नोई समाज एक लंबे समय से और तो सब जानते हैं कि बिश्नोई समाज की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है ये हिरन, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं जब हमको देखने को मिलती है, बिश्नोई समाज क्या कुछ तैयारी कर रहा है, क्या कहीं आप लोग बात कर रहे हैं, क्या सरकार में आपकी बातचीत हुई है, अन्य विभाग से आपकी बातचीत हुई है, इस सब चीजों को लेकर के कोई मुहिम आप लोग चलाएंगे? जी बिल्कुल, आपने जो कहा कि सरकार से बातचीत, हम लोग पिछले 25 सालों से और सदियों से इस आंदोलन को लड़ते आ रहे हैं और हमारी संस्था विशेषकर बिश्नोई टाइगर फोर्स ने 25 साल से इस बात को जो बड़े गंभीर तरीके से इस बात को उठा रही है सरकारों के समक्ष। ठीक है, बिश्नोई समाज लगातार इस बात को उठा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि भाई इतने ये जानकारी होने के बावजूद कि एक बड़े समाज की आस्था इससे जुड़ी हुई है और पर्यावरण पर इस वन्य जीव का बड़ा इम्पैक्ट है, उसके बावजूद आदित्य जी क्या कुछ लगता है आपको कि कानून में क्या कुछ बदलाव करना चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट और कानून बनने चाहिए, क्या जो पकड़े भी जाते हैं मान ले वन्य ऑफिसर या फिर शिकारी वो छूट जाते हैं क्या आसानी से? कानून सशक्त है, कानून में सशक्त प्रावधान है, परंतु जो कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून में इनकी जिम्मेदारी बांधी गई है और ज्यादा प्रावधान लाने चाहिए। जिम्मेदारी कैसे बांधी जाए, सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं वहां पे, हर तरीके से सर्वेलेंस मौजूद है, पर ये जो अधिकारी वो जो मिलीभगत कर रहे हैं इनको कैसे, इनकी धरपकड़ कैसे की जाए? अगर ये कोई पकड़ा जाता है तो खाली सस्पेंड नहीं किया जाए, इनके खिलाफ सशक्त कानूनी कार्रवाई हो, इनका पूर्णतया इनसे अंडरटेकिंग ली जाए कि कोई भी घटना होती है तो आप इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। आपके अगर ज्यूरिसडिक्शन में रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कोई भी शख्स आके पोचिंग करता है, हंटिंग करता है, जानवरों को मारता है, तो उस अधिकारी जो उस समय वहां पे मौजूद है उसके खिलाफ सशक्त कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उसके इसके लिए ज्यादा से ज्यादा न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैन पावर फोर्स। क्या आपको लगता है ये वाले जो केसेस हैं ये स्पेशल केस मान करके इनको अलग से रन करना चाहिए आदित्य जी? जी, जो कई इसके न्यायालय पहले बनाए गए थे। ठीक है राजेश जी, कुछ राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश जी बहुत कम समय, 10 सेकंड आपके पास। एक शब्द में जोड़ना चाहता हूँ, कानून में एक संशोधन होना चाहिए, जिस इलाके में जिस अधिकारी के अधीन ये घटना घटती है उसको भी आपराधिक मुकदमे में मुलजिम मानते, उसमें 120 का मुलजिम माना चाहिए। ठीक है, इस तरह के संशोधनों की आवश्यकता है, और देखिए आवश्यकता है इस विषय पर लगातार चर्चा करने की। और बहुत फिलहाल मैं बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ आप सभी लोगों का, योगेंद्र जी आपका शुक्रिया, आदित्य जी शुक्रिया आपका, राजेश जी शुक्रिया, और साथ साथ हमारे साथ रामपाल भवाज जुड़े थे, बिश्नोई समाज के प्रतिनिधि, शुक्रिया आपका भी। तो देखिए इस मुद्दे पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से भी, धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से भी, और हमने आपको इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए लगातार ये बताया कि किस तरह जल संरक्षण करने में भी इस जीव का बहुत बड़ा रोल है, रोल प्रकृति में हर जीव का है, ब्लैक बक का अपना महत्वपूर्ण रोल है, और इन सब के रोल को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए, इस जीव को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए, ये तमाम सवाल जो हमने पूछे हैं इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए, इन पर काम होना चाहिए, यही अपेक्षा वन विभाग से सभी की है, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा फिर कभी ब्लैक बक की हत्या शिकार की खबर हमें ना पढ़नी पड़े, इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।